ये देखो सबसे पहले यहाँ आने के बाद जो देखा और इसका जो आवाज़, हाँ एकदम साफ सुथरा था। अभी दोनों का भी लड़ाई हुआ और ऐसे पूरा मैला हो गया। बहुत खूबसूरत से ठहरे। यहाँ से गिफ्ट के तौर पे पापा जी का आशीर्वाद दुआ समझ के। अच्छा ये मेल छेले? अच्छा मेल फीमेल दोनों है, लाहौरी कहते हैं नहीं? ओ देखो एकदम लाइव पेड़ के साथ, देखो कितना सुंदर पूरा एवियरी ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना के। वहाँ देखो जावा, देखो जावा बहुत बहुत है, बहुत है। वाह, एक्चुअली हम लोगों ने जो एवियरी बनाया वहाँ तो पहले ऐसे लाइव पेड़ था, लेकिन बाद में मकाओ कॉकाटूस क्या करते हैं सब पूरा काट के। हाँ हाँ हाँ, यहाँ बार जब बैठेगा तो ऐसे सत्ती खूब सुंदर। अच्छा लेकिन यहाँ तो सारे स्मॉल बर्ड है और मतलब बर्ड्स का क्वांटिटी का हिसाब से पेड़ पौधा ज्यादा है, तो इसी के लिए लाइव पेड़ के बीच सारे छोटा छोटा स्मॉल बर्ड्स का मतलब मेरा जो कॉलोनी है एवियरिया उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर खूबसूरत लग रहा है। देखो सच में चारों तरफ अगर देखेंगे वीडियोस में कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन अगर कोई लाइव आके देखेगा तो यहाँ मतलब यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ झूला देखो, इस टाइप का झूला हम लोगों को भी बनाना होगा मजबूत। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, उस साइड में जिस साइड में देखेंगे, यहाँ देखिए जब गाड़ी लेके वहाँ से अंदर आया था तब तो एकदम सामने ऐसे गाड़ी आ रहा था और सामने पूरा राज जंक्स, और अंदर आने के बाद ये सारे जो हॉर्सेस है देखो, और वो एकदम साफ सुथरा था, लेकिन वो तो उसके बाद पूरा मिट्टी में सोते हुए पूरा मैला गंदा हो गया। और देखो एनवायरनमेंट देखो सच में बहुत खूबसूरत है। नहीं करीब मत जाओ बरुंदा, पूरा एरिया देख क्या नहीं है यहाँ। यहाँ अगर कोई आएगा ना तो निकलने का मन ही नहीं करेगा। बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मतलब हर एक वीडियोस में ज्यादातर वीडियोस में देवाशीष रहता था, तो तभी कहता था कि देवाशीष नहीं रहता तो मतलब मजा ही नहीं आता यार वो डायलॉग, वो बहुत पॉपुलर हो गया था। हाँ देखो आवाज देखो, हाँ और आज बहुत दिन के बाद देवाशीष भी साथ है तो मजा ही कुछ अलग है। पिजन फार्म एक बार घूम के आते आओ, देखो तालाब भी कैसे चारों तरफ से सजा गुजा के किए हैं। देखो यहाँ यहाँ कितना खूबसूरत एक पिजन का फार्म है, वहाँ तो देखा था जैकोबिन। हाँ देखो 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 पूरा पूरा कितना छोटा छोटा कितना खूबसूरत सारे घर बना के रखे हैं। ये देखो ये क्या है, भगाएगा तो नहीं ना? टार्की कहते ना इसे। वाओ देखो कितना खूबसूरत एकदम झुंड बना के खड़े है। करीब मत जाओ संजय भागा। अच्छा 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 अच्छा, 7 घंटा। देखो यहाँ सारे राजहंस है और इसको क्या कहा, टर्की ना। और राइट साइड में हम लोग का जो सिल्की चिकन था शायद वो नहीं सिल्की चिकन नहीं है, ये कोई दूसरा कुछ होगा, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। और हम लोग का पीछे जो है ना ये तो पिजन्स का यहाँ एक सेटअप है, और यहाँ यहाँ सारे हाई फ्लाइंग पिजन ना दादा, यहाँ क्या क्या है? सब मैड्रेसी है, सब मैड्रेसी मतलब रेसिंग पिजन्स है ना। अच्छा एक बार अंदर जा सकते हैं? हम बाहर निकल गया थे, वो ऊपर जाके बैठा है ना। मैड्रेसी रखे दिए। अच्छा 6 घंटा 7 घंटा 6 घंटा 7 घंटा करके ऐसे फ्लाई लगाता है। हाँ और इतना सारा अंडा किसका है? सिल्की, ओ सिल्की चिकन का अंडा है। अभी देने के लिए ऐसे कुछ है नहीं ना, सब निकल गया ना, ठीक है नेक्स्ट टाइम होगा। सच में यहाँ जो लोग रहते हैं ना जैसे चाचा जी एकदम मतलब आप एकदम खुशी खुशी पूरा दिन कैसे निकल जाता है, मतलब यहाँ इतना सारा वैरायटीज है, इतना सारा अच्छा अच्छा चीज है देखने के लिए। वो देखो दिन कैसे निकल जाएगा, टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तभी से आया और पापा जी बोल रहे कि दीपक का थोड़ा सा बैठ, मैंने कहा नहीं ये देखने के बाद ना बैठने का कोई मतलब ऐसे इच्छा ही नहीं होता है। वो देखो वहाँ देखो और इसको देखो। अच्छा इस पर हाथ लगा सकते हैं हम? ये थोड़ा थोड़ा सा गुस्से वाला है ना, ठीक है छोड़ी कोई बात नहीं।
फोर्स बहुत ताकतवर। कौन सा वो वाला वाइट वाला? अच्छा उसे हाथ लगा सकते हैं। तो चलिए ना एक बार। इससे पहले नागपुर में गए थे प्रशांत दादा के वहाँ तो मतलब राइड भी किया था, मतलब चढ़ा था, बहुत डर लगा था, फर्स्ट टाइम था और सेकंड टाइम, आज छू के देखेंगे। लेकिन जब आया था उसका जो एटीट्यूड और उसका जो आवाज़ था, वो देखने के बाद हाथ लगा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, डर डर से लग रहा है। लेकिन अंकल जी है, कोई डर नहीं। ओह सादा धपधपे এটা বুঝছেন তো, এই এখনি শুধু ওয়ান্ডারফুল করে দিল। ও হো হো দেখো আমি খেতে রাস্তা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খা রহা হ্যাঁ। बहुत अच्छा लग रहा है। आने के बाद इतना लंबा जर्नी था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक झटके में पूरा रिफ्रेशमेंट हो गया। भूख भी लग रहा था, वो भी चला गया। देवाशीष बोलो कैसे कैसे लग रहा है यहाँ आने के बाद एकदम? बहुत बहुत मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि यहाँ इतना, मतलब ये जगह के अंदर इतना सजा गुजा के हर एक चीज। वहाँ तालाब है ना सामने, कलरिंग सब माछ हमारा छिलो नष्ट हो गया। हाँ एक बार देख के आते छिलो तो। अच्छा अच्छा अस्ते हाथों में खाना लेके ऐसे बैठेंगे तो हाथों से खाना खा के जाता था, लेकिन पानी खराब होने से। हाँ आएगा पानी को इधर उधर कर देता है, हिला देता है ना पूरा एक साथ, बहुत आ जाता है। मतलब यहाँ से सारे मछली पकड़ के उस तालाब में शिफ्ट कर दिया गया है। राजहंस को देखो, इसका तो बहुत शौक है। जो तालाब हम लोगों ने किए है ना, खुदे है ना, वहाँ ऐसे सारे, इससे भी बड़ा बड़ा। और जो ब्लैक स्वान होता है उसका भी कोशिश करेंगे। देखो कितना सुंदर है यार। एंटीक एंटीक है ना, बहुत साल पुराना। जब किंग राजा रहते थे ना, तभी उस अमल का ऐसे कुछ है। चलो जगह में आप लोगों को लेके आए, मजा आया। अच्छा इतना अच्छा आइडिया मिल रहा है बनाने के लिए। हाँ हम लोगों का उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन या ऐसे कुछ करने का प्लान नहीं था। ऐसे ही पेड़ पौधे के अंदर छोटा छोटा, मतलब एकदम नेचर का फील जहाँ रहे, और ये एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही होगा, इससे मतलब और भी थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, चलेगा, देखते हैं कैसे बनता है। और अपडेट तो आप लोगों को वीडियोस में मिलता ही रहेगा। थैंक यू भाई, बहुत कुछ दिखा रहे हैं जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने में मज़ा आ रहा है। एटा छागलर घर पर आछे पूरा। हाँ ओ सारे भेड़ बकरी के लिए वो ये कांठल पत्ता जो होता है ना, वो बेस्ट होता है। हाँ ये बकरी का फार्म है। आइए तो अंकिल जी एक बार देखो, ऐसे स्टेयर नीचे ऐसे वुड का बना हुआ है, लेकिन नीचे लोहे का स्ट्रक्चर है सर। शाम के टाइम सब यहाँ आ जाते हैं ना, अभी अभी तो सब बाहर घूम रहा है ऐसे। कांठल पत्ता, जैक फ्रूट लीव्स। ये मुर्गी देसी मुर्गी है ना, देखो कलर देखो यार कितना खूबसूरत है। अच्छा और ये कौन सा नस्ल का है? वो जो लड़ाकू मुर्गी होता है ना, उसी टाइप का कुछ लग रहा है। हो नहीं पा रहा था, फाइनली आज जब यहाँ आया, दादा भी आ चुके हैं। थैंक यू, आएंगे एक बार, आना है दादा को, भाईजान को साथ में लेके आएंगे, सब लेके एक साथ मिलके, सब मिलके आना है। मतलब जहाँ देखोगे कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इतना खूबसूरत है। क्या है खूबसूरत है बहुत। चलो अभी पकड़ेंगे सब। कंप्लीट हो गया, पकड़ लिया सब? अरे ये क्या कर दिया यार, मैं वहाँ घूमने के लिए किया और संजय सारे केज में जो जो जाएगा आज हम लोगों के साथ, वो सब रेडी करके। कहाँ केज कहाँ है सर? वीडियो बनाने का मौका ही नहीं दिया। देखो देखो तभी तो दादा था, अभी एक बार हाथ लगा सकते हैं? नहीं वो हमको पहचानता नहीं, आंखें देखो पूरा सादा। आ जाओ ना। ओहो देखो कुछ नहीं कह रहा है। हाँ अच्छा, डर भी लग रहा है, एक बार मारेगा ना तो कहाँ उड़ के जाके गिरेंगे हम पता नहीं है, ऐसे ही दुबला पतला हूँ। यही चार पेयर अफ्रीकन ग्रे पैरट। वाह साइज देखो, ऐसे जगह में रहेगा तो ऐसे ही साइज होगा। बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं आप लोग शायद, सच कहूँ तो। जायंट कॉन्गो, जायंट कॉन्गो जिसे कहते हैं। Thank you.
सब रेडी हो गया है जाने के लिए, सब रेडी हो गया है। तीन का दिया थी तो पैरट दीपक नया फार्म के लिए। हाँ एक कहावत है ना, घोड़े बेचकर सो रहा है उसी हिसाब से ये लोग सोता है। अभी तो उठ गया है, नहीं तो देखेंगे ना तो चौक जाएंगे कि कुछ बीमार वगैरह हुआ कि नहीं। चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खाने का टाइम हो गया। ठीक है तुम भी तुम भी। हाँ नीचे देख लो, गिर जाओगे नीचे। बहुत समस्या नहीं, एक्चुअली इससे पहले तो मैंने कभी ब्रूडर का यूज़ नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बहुत सारा ब्रूडर, बहुत महंगा या बहुत कॉस्टली ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारा ब्रूडर और मतलब चलने लायक अच्छा क्वालिटी का है। ये टेस्टेड है, 3-4 सालों से लोग यूज़ कर रहा है और बहुत ही अच्छे सर्विस के साथ एकदम हो रहा है। दादा एकदम सावधानी नहीं है, कोई असुविधा कोई सेकिंग कोई झाकुनी टाकुनी कुछ ही नहीं। अच्छा कॉटन नहीं गए ऊपरे? हाँ दादा ने बताया था कि ब्रूडर कम इनक्यूबेटर, ये शायद वही है। ऐसे दो है, ऊपर ब्रूडर और नीचे इनक्यूबेटर, ऐसे कुछ है। ठीक है जो है ऊपर ले जाके सेट करके रखने के बाद, मतलब इतना दिन कितना 100 बेबी बर्ड को हैंड फिट करके बड़ा कर दिया है। ऐसे ही बल्ब ऊपर बल्ब लगा के टेम्परेचर लगा के ऐसे करते थे, फिलहाल ब्रूडर इसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो कहाँ रख रहे हैं क्या कर रहे हैं, अरे इसको यहाँ क्यों रखा, ये देखो नेस्ट बॉक्स। हाँ यहाँ ऑब्जर्वेशन गेट है, अच्छा है और गेज देखो मजबूत है। यहाँ अंदर नेट भी लगा हुआ है। चलो कितना ऊपर गया कहाँ, हाँ हाँ गया हूँ। देखो ये सब ऐसे ऐसे करके सारे ब्रूडर है, जब लगाएंगे रेडी करेंगे सारे बेबीज पर रखेंगे तभी उसका फाइनल कैसे क्या होता है उसका अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। आ तो जाएगा ना, इसी के लिए मैं सोच रहा था कि 4 हट्टा कट्टा आदमी क्या कर रहा है। नहीं नहीं 2-2 करके आ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत मजबूत है, सामने ग्लास है। हाँ। सावधानी से सावधानी से, और इसको इसको ऐसे ऊपर ऊपर मत रखो, ये देखो डाउन हो रहा है, एक का ऊपर एक चढ़ा दिया तुम लोगों ने गलती से। हाँ रखो, ओ बॉक्स भी आ गया, चलो यहाँ रखो। नहीं नहीं नीचे नीचे रखो, नीचे रखो, ये देखो ऊपर रखने से क्या हुआ, देखो हो गया सब के सब, आ गया आ गया है सब। अभी सेटअप करना है वहाँ से लेके यहाँ पूरा, मतलब हम लोगों का जो बेबी वार्ड, इतना दिन तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब ऐसे ही ऊपर बल्ब लगा के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मतलब कोशिश करते थे और सही से पाल पोस के बड़ा भी कर देते थे, लेकिन प्रॉब्लम होता था। ब्रूडर इज द बेस्ट, मतलब सही टेम्परेचर में अगर बेबी वार्ड से रहेगा तो मॉर्टलिटी रेट एकदम 0 हो जाता है। 2 चीज़ पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, 1 जो हैंड फीडिंग फॉर्मूला मतलब जो खाना हम लोग खिलाएंगे वो प्रॉपर टेम्परेचर में होना चाहिए, और दूसरा जहाँ रखेंगे वो जगह एकदम साफ सुथरा और प्रॉपर टेम्परेचर में, सही टेम्परेचर में होगा तो मॉर्टलिटी का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। भाई और कितना बाकी है, और एक और दो है, और दो है। ठीक है जल्दी से लेके आओ, काम खत्म करो।